नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ टेक। गाइस, व्हाट्सएप जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट लेकर के आया है, तब से दोस्तों इंडिया के बंदे जो है बौखला से गए हैं। ऐसे में गाइस, अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है अपनी प्राइवेसी को लेकर के यहाँ पर चौकन्ना हो गए हैं, और वो सभी लोग सोच रहे हैं कि हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें। ऐसे में गाइस, सिग्नल, टेलीग्राम, बहुत से एप्लीकेशन पर स्विच करने की लोगों ने सोची, और फिर गाइस यहाँ पर ऐसे में फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है संदेश, और आप इसे देसी व्हाट्सएप कह सकते हैं या फिर मोदी व्हाट्सएप भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊँ किस तरीके से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा। सो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड यूजर डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप स्टोर में ये आपको संदेश के नाम से मिलेगा, लेकिन गाइस अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको GIMS गेम्स के नाम से देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको नंबर पर टैप करना है। सिंपली आपको नंबर टाइप करना है, OTP डालना है, उसके बाद गाइस आप नाम वाम मेल वेल सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस आपके सामने कुछ इंटरफेस कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आपके कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे। बॉटम में चैट, ग्रुप, कॉन्टैक्ट और फिर सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप किसी भी चैट को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या फिर आप व्हाट्सएप के, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस सिंपली अगर आप किसी को किसी भी टाइप के टेक्स्ट मैसेज को सेंड करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उस पर इटैलिक कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरस्कोर डाल सकते हैं या फिर कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ जो मुझे यहाँ पे इसके अमेजिंग लगी। बाकी गाइस आप जो है अपने गैलरी, फाइल, कैमरा, कॉन्टैक्ट या फिर ऑडियो से किसी भी फाइल से किसी भी चीज़ को डायरेक्टली यहीं से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही लगी, जो कि गाइस आप इससे अभी व्हाट्सएप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यार व्हाट्सएप काफ़ी टाइम पहले से और ये नई नई एप्लीकेशन है। तो धीरे धीरे गाइस ये एप्लीकेशन भी बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। उसके साथ कई टैग्स आपको देखने को मिलता है, इमोजी की जगह आपको यहाँ पर जिमोजी देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप में इसमें कुछ आपको जो है यहाँ पर इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो इमोजीज़ में मज़ा आता था, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे। और फिर गाइस आप इसे इजीली सिंगल टैप करके सेंड भी कर पाएंगे। उसके बाद गाइस आप किसी भी कन्वर्सेशन को क्लियर कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं, या फिर आप जाए चाहे तो गाइस आप देख सकते हैं वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम बात करें इस एप्लीकेशन की, तो गाइस ये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पर अपने प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गाइस आप ग्रुप्स वाले सेक्शन में आप व्हाट्सएप की तरह यहाँ पर नए ग्रुप्स को, नए ब्रॉडकास्ट को या फिर नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट्स का। उसके बाद बात की जाए सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं या फिर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैकअप की बात की जाए तो बैकअप को आप ले सकते हैं अपने फाइल मैनेजर में किसी भी जगह पर। उसके बाद गाइस आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही गाइस आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन सेटिंग में, जहाँ पर आप ऑडियो को ऑटो डाउनलोड, ऑडियो वीडियो को ऑटो डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक इन्फो सर्विस का ऑप्शन आपको मिलता है, गेम्स वेब मिल जाता है, और फिर गाइस आपको इन्फो सर्विस में आपको एक चैट बॉट भी मिल जाता है जो कि आपकी हेल्प करेगा कि आपको इस एप्लीकेशन को कैसे कैसे यूज़ करना है। बेसिकली गाइस काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, काफ़ी ईजिली कोई सा भी बंदा अगर फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आता है तो वो भी इसे ईजिली जो है यहाँ पर यूज़ कर लेगा। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर इन्होंने अपना एक चैट बॉट दे रखा है, तो अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी जो गाइस आप जो यहाँ पर इनसे वो सारी चीज़ें पूछताछ कर सकते हैं कि मैं ये यूज़ नहीं कर पा रहा, वो यूज़ नहीं कर पा रहा। तो गाइस आपका क्या ख्याल है, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले या नहीं करने वाले? व्हाट्सएप की इस मनमानी को आप मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।